हेलो गैंडियंस, माय नेम इज ऋषि रोड़ा एंड यू आर वाचिंग वी कैन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बियर्ड हेयर्स को सॉफ्ट कैसे करें, क्योंकि जब भी हम बियर्ड हेयर्स बढ़ाते हैं सबसे पहले हम प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी बियर्ड के नीचे की स्किन होती है वो ड्राई होना शुरू रहती है। जैसे ही वो ड्राई होती है हमारे बियर्ड में डैंड्रफ आता है, जिसे बियर्ड रफ भी कहते हैं, जिससे कि हमारी इचीनेस या खारिश होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम खारिश करते हैं हमारे बियर्ड हेयर्स रफ होने शुरू हो जाते हैं। Then our girlfriend complains, आपकी दाढ़ी चुभ रही है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपने बियर्ड हेयर्स को सॉफ्ट करने का सबसे पहला स्टेप है कि हमेशा अपनी बियर्ड को स्क्रब बियर्ड वॉश से करें। और पहले स्टेप पे ना मेरे बहुत से भाई गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी सोप या जो भी शैम्पू पड़ा होता है ना उससे बियर्ड वॉश करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन के नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से सीबम ऑयल निकलता है, वो सीबम ऑयल सारा वॉश अवे हो जाता है, जिससे हमारी स्किन में ड्राइनेस और इचीनेस पैदा होती है। हमेशा अगर आप अपनी बियर्ड को स्क्रब बियर्ड वॉश से करेंगे, उससे क्या होगा कि सारा सीबम ऑयल वॉश अवे नहीं होगा। चाहे आप बियर्ड ग्रो करने की किसी भी स्टेज में है, बियर्ड वॉश से बियर्ड स्क्रब करना बहुत जरूरी है। अपने बियर्ड हेयर्स को सॉफ्ट करने के लिए स्टेप टू पे बात करते हैं बियर्ड ऑयल या बियर्ड बाम। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बियर्ड ऑयल या बियर्ड बाम यूज कब करना शुरू करना है। अगर तो आपकी लेंथ मेरी बियर्ड लेंथ से कम है, देन अभी आपको जरूरत नहीं है कि आप बियर्ड ऑयल या बियर्ड बाम पे मनी इन्वेस्ट करें। हालांकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपकी बियर्ड लेंथ मेरी बियर्ड लेंथ जितनी है या इससे बड़ी है, देन आपको अभी बियर्ड ऑयल या बियर्ड बाम यूज करना शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि आपको बियर्ड ऑयल यूज करना है या बियर्ड बाम यूज करनी है, दोनों प्रोडक्ट्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बियर्ड ऑयल में दो मेन चीजें होती हैं, कैरियर ऑयल और एसेंशियल ऑयल, और बियर्ड बाम में चार मेन चीजें होती हैं, कैरियर ऑयल, एसेंशियल ऑयल, बीड वैक्स एंड बटर। दोनों प्रोडक्ट्स में कैरियर ऑयल है जो हमारे बियर्ड को ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और एसेंशियल ऑयल्स का काम होता है कि हमारे ब्लड को स्टिमुलेट करना, जिससे कि हमारे हेयर और भी जल्दी ग्रो करेंगे, और एसेंशियल ऑयल की वजह से ही हमारी बियर्ड में हल्की हल्की खुशबू आती है। अगर आप ऐसे वेदर में रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है या कई बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, देन मेक श्योर कि आप बियर्ड बाम यूज करें, क्योंकि उसमें बियर्ड ऑयल के मुकाबले ज्यादा मॉइस्चर होता है। स्टेप थ्री में हम बात करते हैं कॉम्ब योर बियर्ड हेयर्स। सी, आप बियर्ड ग्रो करने की किसी भी स्टेज में है, स्टेप थ्री और स्टेप वन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे बियर्ड हेयर सिर्फ इसी वजह से रफ लग रहे होते हैं क्योंकि हमारे बाल इधर उधर जा रहे होते हैं। और जब हम अपनी बियर्ड को शुरू से ही कॉम करना शुरू करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे बियर्ड हेयर्स की ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। अगर आप शुरू से ही बियर्ड हेयर्स को कॉम करना शुरू करोगे, तो उससे क्या होगा कि आप जिस वे में कॉम करोगे हमारे बियर्ड हेयर्स की ग्रोथ भी उसी वे में होगी, जिससे क्या होगा कि हमारे बियर्ड हेयर्स सॉफ्ट होंगे। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ दिन में एक या दो बार ही कॉम करनी है, उससे ज्यादा कॉम नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉम करेंगे उससे क्या होगा कि आपके हेयर डैमेज होंगे, जिससे हेयर और भी ज्यादा रफ दिखेंगे। और मेक श्योर जो भी आप कॉम यूज करें उसके एंड्स पॉलिश हो, ताकि जो हमारे हेयर डैमेज हो वो कम से कम हो। तो ये थे तीन बहुत ही सिंपल सीक्रेट्स कि आपको अपने बियर्ड हेयर्स को सॉफ्ट कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन, और आपका बियर्ड्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज नीचे कमेंट करें, आई विड लव टू आंसर दैट। माइसेल्फ ऋषि अरोड़ा साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर ऑसम।